ಅಟ್ಟಕ ಅಟ್ಟಕ ಝಟ ಪಟ ಪನ ಘಟ ಪರ ಚಟಕ ಮಟಕ ಇಕ್ ನಾರ ನವೇಲಿ ಗೋರಿ ಗೋರಿ ಗ್ವಾಲ ನಕ್ಕಿ ಚೋರಿ ಚಲಿ ಚೋರಿ ಚೋರಿ ಮುಖ ಮೋರಿ ಮೋರಿ ಮುಸ್ತಕಾಯ ಅಲ್ವೇಲಿ ಕಂಕರಿ ಗಲಿ ಮೇ ಮಾರಿ ಕಂಕರಿ ಕನೈ ಏನೆ ಪಕರಿ ಬಾಹ ಓರ್ ಕಿ ಅಟ್ಟಖೇಲಿ ಭರಿ ಪಿಚ್ಚಕಾರಿ ಮಾರಿ ಬೋಲಿ ಪರಿಹಾರಿ ಬೋಲಿ
केट की बहन आइए दादी के पास, दादी जी के पास आइए, दादी जी के पास आइए। कहते चक्कर आ गया मुकेश खन्ना जी को, चक्कर चक्कर होने लगा। हाँ पढ़ाई करने के लिए भी कह रहे हैं। आपने बुगी बुगी की स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सावित्रीबाई फुले पुरस्कार से भी आप पुरस्कृत है। अभी बहुत ही अच्छा, 4 साल की केतकी वाघमारे के द्वारा हमने नृत्य को देखा। अभी हम राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि जी से उनके प्रेरणा मूर्त ऐसा हम संभाषण सुनेंगे। दादी जी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज। दादी जी आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। दादी जी का हम बहुत बहुत ध्यानपूर्ण रीति से, शांत चित्त से, एकाग्र होकर के संभाषण सुने दादी जी। ओम शांति। हाँ सभी बोलो ओम शांति। शांति का दाता, स्नेह का सागर, सुख आनंद का सागर आप हम सभी का निराकार परमपिता परमात्मा शिव है, जिसको सभी सदा शिव भोलानाथ भंडारी कल्याणकारी कह गाते हो। तो आज आप सभी ऐसे सर्व के कल्याणकारी पिता के इस ज्ञान सरोवर के एकेडमी में पहुँचे हो, जहाँ हम आप सब पहला यही लेसन लेते कि जैसा बाप है सर्व का शांति दाता कल्याणकारी, ऐसा हर एक को आज दरकार है स्वयं को शांति की शक्ति की अनुभूति करना और दूसरों को भी ऐसी शांति की शक्ति की अनुभूति कराना। जिसके पास शांति की कला है वो दूसरों को भी पहले शांति की ही, कितनी आनंद की शक्ति है वो देता। हम मानती हूँ कला अर्थात शक्ति। आप भले कला कई प्रकारों की है पर जिसके पास शांति की शक्ति की कला है वो स्वयं भी और दूसरों को भी ये महान दान दे सकता है। आज दुनिया में अनेक प्रकारों के साइंस कहो आदि कहो साधन है, और जैसे एक आप सभी कलाकारों के पास कितना सबको थोड़े समय के लिए अपने कला से आनंद देते खुशी देते, पर क्या ऐसी भी आप हर एक अनुभव करो या दूसरों को दियो, जिसको दूसरे शब्द में कहा जाता पीस एंड हैप्पीनेस।
प्योरिटी पीस एंड हैप्पीनेस, परंतु पीस की कला फिर तब आएगी जब सेल्फ रियलाइज करेंगे और जब स्वयं को अनुभव करो मैं कौन हूँ। देह तो सभी के सामने है, भिन्न भिन्न कला कहो आदि अनेक प्रकारों के आर्ट कहो जीवन में है, परंतु आप मुझे ये बताएंगे, आप हरेक चाहे हमारे कलाकार क्या स्वयं के पास में निरंतर ऐसी शांति की शक्ति है मन में, ऐसी निरंतर खुशी है जो दूसरों को दे। आज कई बार जब मैं पूछती हूँ मुझे इतनी ही छोटी सी सिर्फ बात सुनाओ, हे मेरे मीठे बहन भाई आप चिंताओं से मुक्त रहते हो, क्या चिंता मुक्त होने की भी कला सीखे हो? हर एक जवाब देता किसी को क्या, कई प्रकारों की समस्याएं होती तो चिंता से व्यस्त होते तो उसके पास शांति कहाँ से आई, और जब शांति नहीं होती तो फिर कई प्रकारों के जो अशांति लाने के अवगुण कहो समस्याएं कहो वो होती है, फिर कोई को क्या। तो आज आप सबको बुलाया है कि आप हर एक पहले ये अनुभव करो कि सचमुच मेरे जीवन में कितने तक स्वयं को और दूसरों को शांति प्रेम सम्मान है, कहाँ तक सत्यता की सभ्यता है, कहाँ तक खुशी है। अल्पकाल सबको होती परंतु निरंतर नहीं होती, तो आज समय की पुकार है। क्या पुकार है? शांति की ही पुकार है कि कब वो दिन आवे जो विश्व में शांति हो। तो हम आपको कहेंगे ऐसी विश्व में शांति लाने का समय पहुंचा है, हर एक चीज़ का समय होता है। तो आप कलाकारों को आज सवेरे में हम समझती हूँ पहला ये लेसन ज़रूर सबने सुना होगा जिसको कहते हैं सेल्फ रियलाइज। आप कलाकार हो या आप आत्मा कला है, आप कला है या आत्मा कला है, आप कौन हो? देह शरीर ये तो पांच तत्वों का पुतला है, पर वास्तव में ये सब आती है अपनी आत्मा की शक्ति। जब आप आत्मा का अध्ययन करेंगे उसे ही आज दरकार है हर एक छोटे बड़े को आध्यात्मिकता की अथवा कहीं स्पिरिचुअलिटी की, इसी से ही स्व का संसार का आप हर प्रकार का दुख दर्द शांति जो भी नेगेटिव चल रहे हैं वो बदल के और आप पॉजिटिव में ये प्राप्त कर सकते करा सकते। इसलिए दादी जास्ती तो नहीं अभी कहेंगी, लेकिन ये आप लोगों को तीन बातें कहती, ये हमारे सभा में भाई बहने चाहे
स्टेज पर उपस्थित हमारे कलाकार आज सभी, दिन का 24 घंटा होता है, उसमें 3 पैर होता है, 8 घंटा शरीर को चाहिए आराम के लिए, पालना लिए। 8 घंटा क्या, भले आप 16 घंटा से 15 घंटा आप अपना जो भी कार्य है वो करो, पर क्या 1 घंटा आप हमारे उसी शिव परमात्मा के प्रति दान दे सकते, ओनली 1 घंटा। 1 घंटा ये राजयोग का अभ्यास करो, उसके लिए आप लोगों को ये स्टडी के लिए राजयोग के केंद्र में जाना होगा। उसी से जैसे कि कहीं भी कोई भी प्रकार के संस्कार है, वो संस्कारों को आप शीतल बना सकते परिवर्तन से, चाहे लोभ है, मोह है, चाहे कुछ भी है, उनको परिवर्तन करना है। 1 घंटा भगवान के लिए, बाकी सारे घंटे आपको अपनी प्रवृत्ति के लिए। इस घंटे से आप प्रवृत्ति में रहते कैसे निवृत्त रहो, कमल फूल समान रहो, ये आप स्वयं और दूसरों को सिखा सकते। तब कहा आप हमारे कलाकार, हम सभी को कहते पहले खुद अनुभव करो, पीछे दूसरे को कहने का हक है। लेक्चर देने का अधिकार उनको है जो पहले खुद को लेक्चर देवे कि ये मैं जो कहूँ वो मेरे में कहा। पहले खुद को आईने में देखे, पीछे दूसरे को देखे। तो इसलिए हमेशा लोगों को आदत है यूं अंगुली दिखानी, पर मैं उनको कहती ये 1 अंगुली दूसरे को दिखाते तो 4 अंगुली तो खुद को दिखाते। तो पहले 4 अंगुली जो खुद को दिखाएगा उसकी दूसरे को 1 अंगुली का असर होगा। तो एक तो आप ये अपनी जीवन में ये अपनी सच्ची सच्ची शांति की शक्ति लियो, और उसी से आप दूसरों को भी शांति का आधार ये राजयोग है वो अनुभव कराओ। दूसरी बात, हमें इसके लिए और कुछ छोड़ना त्यागना नहीं है, परंतु हमें अपने जीवन से एक तो जो भी जीवन में बुराइयां हो, जिसको कहा जाता चरित्रों में हीनता हो, उनको परिवर्तन करना, क्योंकि आज ज़रूरत है अपनी जीवन को महान ऊंचा चरित्रवान बनाने का। कहा जाता है जिसके जीवन में चरित्र है वही उत्तम पुरुष है, अगर चाहे कितना भी कोई बड़े हो पर चरित्र नहीं है तो माना कुछ नहीं है। चरित्रवान का ही गुण गाया जाता। तीसरी बात, इसके लिए एक तो जीवन में शुद्धता पवित्रता लाने की बहुत दरकार है। कहा भी जाता काम ऐशु क्रोध ऐशु, इन दोनों को जो अपने जीवन में वश करता और तब वो दूसरों को भी उनको वश करना सिखाता है। इसके लिए कहा कि पवित्र बनो, अर्थात इन विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करो। उसके लिए फिर ये भी साधन ज़रूरी है कि हमारे जीवन में खान पान की भी संग दोष की भी शुद्धि चाहिए। मैं जहाँ तक जानती हूँ शायद
कि आप लोगों को अपने कार्य व्यवहार में कितना देर रात तक रहना होता, तो ज़रा सा आप लोगों को खान पान, हाँ क्या कहूँ, वेजिटेरियन रहता या नॉन वेजिटेरियन, मांस बदरा आदि सेवन होता, तम्बाकू बीड़ी सिगरेट आदि का आप कहीं सेवन करते, तो उसके लिए अगर दादी एक छोटी बात कहेंगी, कम से कम आज आप लोग ये जो खान पान अशुद्ध है उनको त्याग के जाओ, आज के दिन इस अशुद्ध खान पान का व्रत करके जाओ, हो सकता है? हो सकता है जी? बिल्कुल मेरा हो गया है। हैं? होगा? हो चुका है। होगा? होगा? और सभा में बैठे हुए सभी इस व्रत को जो पालन करेंगे वे ऊपर नीचे सब हाथ उठाओ, सभी हाथ उठाओ। हाँ पक्का? फिर यहाँ के जाने के बाद अरे गंगा जल पियो, काए शराब की बोतल सिर पर रखो, जो पैसा भी बर्बाद, स्वास्थ्य भी बर्बाद, संपत्ति भी बर्बाद, और जो सामने में एक सम्मान होता वो भी बर्बाद। तो ऐसी सभी आज के दिन कहा जाता है सोमवार, सोमवार भोलानाथ का कहा जाता है, तो ऐसे भोलानाथ के दिन पर सभी पक्का त्याग जाएंगे। अगर थोड़ी देर के लिए दादी कहती ये एक आप, मैं आज्ञा तो नहीं करती पर शुभ राय देती, पॉसिबल हो तो यहाँ से ब्रह्मचर्य के पालना करने का भी शुभ संकल्प करके जाओ, तो आप अवश्य ही सच्चे सच्चे पैगंबर बन विश्व में पवित्रता शांति की शक्ति का झंडा बुलंद कर सकते हो। और इसी के साथ जो कहा राजो उसका यादगार है दीवा, तो सभी ने आज सभा के उद्घाटन का दीवा जलाया, दीपक जगाया, दीप से दीप, दीप से दीप जगता, तो आत्मा रूपी दीप स्वयं का जगाए दूसरों का भी जगाएंगे, ये सेवा आप अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को बहुत कहा जावे प्रभु का ये कला का वरदान है, इसलिए का आप मैसेंजर बन के कला के साथ ये कला शांति की, शुद्धता की, पवित्रता की सबको दिएंगे, खुद भी औरों को भी, तो ज़रूर आप इस भारत को सच्चा सच्चा स्वर्ग बनाने का वरदान लेंगे, ऐसे वरदानी बन आप बहुत बहुत शुभ भावनाएं कामनाएं ले जाएंगे। इसी आशा के साथ फिर से कहेंगे आप सबको धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद। ओम शांति। कभी भी कोई थोड़ा नाराज हो कोई भी कारण से, उनको प्रेम से ये मंत्र याद करो, ओम शांति, ओम शांति, देखो कितने में वो पर्सन हो जाता है शांति। हमारी दादी जी ने कितनी कितनी इस जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए और सबको खुश रखने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई। मैं आशा रखती हूँ कि हमारी दादी जी की दी हुई श्रेष्ठ शिक्षाएँ आप अपने जीवन में अगर धारण करेंगे तो आपका जीवन खुश खुशहाल बाहरी मौसम वाला हो जाएगा।
Now I request Brother Amichand ji to give his speech. Om Shanti. मंच पर विराजमान आज के इस उद्घाटन सत्र की अध्यक्षा परमादरणीय रायोग नींदादी प्रकाश मणि जी, कला संस्कृति प्रभाग की अध्यक्षा आदरणीय रायोगनी दादी हृदय मोहिनी जी, अन्य महानुभाव, सभा में विराजमान प्रभु प्रिय आत्माओं, प्रिय बहनों तथा भाइयों, परमादरणीय दादी जी के संबोधन के बाद, आशीर्वचन के बाद कुछ कहने को झिझक रहा हूँ थोड़ा सा। बहुत कुछ विचार आता है, खास तौर पर जब वर्तमान की कला और संस्कृति को मैं देखता हूँ। पर सच बताऊँ, मेरी वो हालत ये बन जाती है, एक कवि के वो गीत याद आते हैं, उनको ये शिकायत है कि वो कुछ नहीं कहते। हमारी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, मगर अगली पंक्ति ज़रा इम्पॉर्टेंट है, कुछ कहने से तूफान उठा लेती है दुनिया। इसलिए कई बार सत्यता को तीक्ष्ण बाण भी कहा जाता है। मेरे सामने गुप्ता जी बैठे हुए हैं, हमने एक बार इन्होंने कानपुर में सत्यता तीक्ष्ण बाणों समान है ऐसे पोस्टर लगाए थे ईश्वरीय महावाक्य के। सच्चाई जो है कई दफ़ा कष्ट पैदा करती है, परिवर्तन हुआ है, हर क्षेत्र में हुआ है, इसलिए कहते हैं चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज़ इनएविटेबल, परिवर्तन होता है, सुखद भी होता है और कठिनाई भी पैदा करता है। हर क्षेत्र में हुआ है, विज्ञान के क्षेत्र में हुआ है, औद्योगिक में, सब में हुआ है, आर्ट एंड कल्चर में भी, संस्कृति में भी हुआ है, और कुछ समय से बड़ी फास्ट गति से हो रहा है। हमारी संस्कृति की कुछ समय पहले की मिसाल, भारतीय संस्कृति की, आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में घूम रहे हैं और उनकी वेशभूषा को देख करके लोग हंस रहे हैं, उनकी ड्रेस को देख के लोग हंस रहे हैं, और उन्होंने क्या कहा था कि आपके देश में व्यक्तित्व को निखारता है एक टेलर और हमारे देश में व्यक्तित्व को निखारता है चरित्र, ये फर्क है, ये संस्कृति है भारतीय संस्कृति, क्योंकि भारतीय संस्कृति का आधार अध्यात्म है। यही एक विशेषता है कि भारतीय संस्कृति का आधार अध्यात्म है। और अध्यात्म क्या है, इसका बिगड़ा हुआ रूप आज जिसे हम धर्म, दैहिक धर्म मानने लगे हैं, ये उसका बिगड़ा हुआ रूप है। वास्तव में अध्यात्म का महना बड़ा छोटा सा, जो ईश्वर पिता ने हमें और परम आदरणीय दादी जी ने भी कुछ शब्दों में कहा है, बहुत संक्षिप्त सा, कि इस पांच तत्व के विनाशी शरीर के अंदर एक चैतन्य सत्ता आत्मा, और वो आत्मा भी कौन सी, ईश्वर की संतान, और इस जगत में पाठ बजाने के लिए, खेल खेलने के लिए मैं आया हूँ, ये स्मृति में रहना ही अध्यात्म है। कितना सहज परिभाषा है, ये स्मृति में रहते हुए कर्म करना, और ये अगर स्मृति में रहे तो ये जो ज्ञान है वो वृत्ति को प्रभावित करता है। ज्ञान विचार है, विचार वृत्ति को प्रभावित करता है, और वृत्ति कृति को प्रभावित करती है, ये सिद्धांत है।
इसलिए जब हमारे में अध्यात्म है और जो कला होगी, जो संस्कृति होगी, क्योंकि संस्कृति और कला में अंतर है, मगर आजकल आप देखेंगे कल्चरल प्रोग्राम और सांस्कृतिक कार्यक्रम एक ही भाषा इस्तेमाल की जाती है। तो ये जो संस्कृति और कला दोनों चीज़ें हैं, अध्यात्म इसका आधार अगर बन जाता है तो मीरा भी डांस किया करती थी, और मीरा को डांस देख करके वो स्थिति मन की उस पैदा हो जाती थी कि देखने वाला सुनने वाला भी डांस करने लग जाता था। हल्का पैदा करती, शरीर को हल्का बना देती है। अगर कला संस्कृति में अध्यात्म है, और अगर अध्यात्म ना रहे कला संस्कृति में, देह अभिमान बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाए तो ये नशा तो चढ़ाएगी, पर दादी जी ने कौन सा नशा कहा है छोड़ने के लिए। कला और संस्कृति के कार्यक्रम को देख करके या सुन करके नशा चढ़ जाता है, मगर आज कहना पड़ता है कि नशा चढ़ा करके प्रोग्राम किए जाते हैं। ये विकृति आ गई है इसके अंदर। सबकी बात नहीं करता, मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर कुछ ऐसा भी होने लगा है। कहाँ हल्का शरीर बन जाए, जब अध्यात्म में होकर के हम और वो डांस और नृत्य जो चीज़ें रास जिसे कहा करता वो करते हैं, वो मन को हल्का बनाती है। और कई दफ़ा आज कला संस्कृति के प्रोग्राम को करने वाले भी थक जाते हैं और देखने वाले भी थक जाते हैं। ये परिवर्तन आ गया है। बेसिक चीज़ ये रही है कि जब हमारी स्मृति में अध्यात्म की स्मृति नष्ट हुई है, और मैंने अपने आप को ये समझ लिया कि मैं ये पांच तत्वों का बना हुआ पुतला ही हूँ, स्मृति नहीं रही है, इसे अध्यात्म कहते हैं। इसलिए जो मूल बात है वो यही है कि हम उस चीज़ की तरफ देखें कि जो भारतीय संस्कृति का आधार है, हम कौन हैं, क्या करने के लिए आए हैं। ये सृष्टि एक नाटक है, पार्ट बजाना है, पार्ट बजाने के लिए आए हैं। जब व्यक्ति भूल जाता है, विस्मृति कर्म को विकर्म बना देती है। देह अभिमान कर्म के अंदर क्या चीज़ें पैदा कर रहा है आज, सब आप जानते हैं, मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मूल बात को सुधारने की ज़रूरत है। इसलिए आज चेंजेस तो आई हैं, मगर कई दफ़ा चेंजेस को देख करके कवि कहता है, वहाँ हम कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए हैं, वो कैसी सी दुनिया, ये कैसा जहाँ है, कहाँ पहुँच गए हम लोग यहाँ पर। वो भी एक संस्कृति थी, कला थी, और आज की कला और संस्कृति भी कुछ अंश तक मैं मानता हूँ कि उसमें चेंजेस आई हैं, मगर इसकी पुनरावृत्ति, फिर इसको ठीक किया जाता जा सकता है केवल अध्यात्म के मनन चिंतन से। जब मेरे में अध्यात्म जीवन में आएगा, स्मृति में आएगा, तो मेरी कृति को प्रभावित करेगा, और जो भी उससे कर्म होगा, जो कला निकलेगी, वो दूसरों को खुशी और आनंद पैदा करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कला और संस्कृति प्रभाग को का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ऐसा कार्यक्रम बनाया है। आप देखिए, इसमें रमणीकता भी है, गंभीरता भी है। ऐसे प्रोग्राम भी हैं जो आपको मन की खुशी देंगे, तन की खुशी देंगे, इसलिए ये एंटरटेनिंग भी है और अनलाइटनिंग भी है, क्योंकि इसमें अध्यात्म भी साथ जुड़ा हुआ है। धन्यवाद। ओम शांति। एक नया चैप्टर खुल रहा है हमारे इस कॉन्फ्रेंस का, जिसके अंदर हमारे माननीय कलाकार एक के बाद एक ऐसे आएंगे और अपने विचार, अपने डायलॉग, जो भी कहना है वो कहेंगे। तो पहले मैं निवेदन करती हूँ, बहन सुजाता मेहता। Thank you.
कोई डायलॉग तो मैं बोल नहीं सकती, प्रतिघात को काफ़ी समय हो चुका और ये माहौल भी नहीं है, मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि भूतकाल जो होता है भूतकाल होता है, उसको मैं अपने साथ कंधे पे लेके चलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसका बोझ बहुत हो जाता है। और अगर भूतकाल को साथ ले चली तो वर्तमान में नहीं रह सकती, और ये कोई बहाना नहीं है, लेकिन ये मेरी फिलॉसफी है कि मैं भूतकाल को अपने साथ लेकर चलना नहीं चाहती हूँ। अगर साथ लेकर चलूँगी तो मैं आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाऊँगी। एनीवे, अभी जो भाई साहब ने कहा कि अध्यात्म आज बहुत ज़रूरी हो चुका है हम सब के लिए। एक तो जैसे कलयुग है वो कारण है, दूसरी बात ये है कि हम आर्टिस्ट लोग हैं, स्पेशली अगर मैं हमारे बारे में कुछ कहना चाहूँ तो हम जब एक पात्र हम लोग हाथ में लेते हैं और वो परफॉर्म करते हैं, व्हेन वी परफॉर्म अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, जितनी जिसकी सुधबुद्ध होती है, जितनी समझ होती है, समझदारी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, जितने आप डीप जा सकते हो, एक्टर जितना डेप्थ में जा सकता है, तो जब हम दूसरा पात्र परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा अध्यात्म है। आई डोंट नो वेदर यू विल अंडरस्टैंड और नॉट, बट एक दूसरे आत्मा में हम लोग प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। जब एक अच्छी कहानी बन गई, अच्छी स्टोरी मिली, अच्छा राइटर मिला, कुछ टीम अच्छी बन गई, डायरेक्टर अच्छा है, राइटर अच्छा है, जब सबका एक कॉम्बिनेशन होता है, तब अच्छे रोल जब मिल जाते हैं तो आर्टिस्ट कोशिश करता है कि मैं वो जो कैरेक्टर होगा, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर होगा। जैसे मैंने 600 से ज़्यादा शोज़ की एक चित्कार नाम का नाटक था, मैंने किया था कुछ सालों पहले, जिसमें मैं पागल लड़की की भूमिका करती थी, और एक मैंने मॉडल बना लिया, ना मैं कोई एक्टिंग स्कूल में गई थी, ना किसी को मैंने ऑब्जर्व किया, कोई पात्र, किसी पर्टिकुलर पात्र को, बट एक अपनी इमेजिनेशन से एक मैंने पात्र सोच लिया। बहुत सारे मैंने ग्लिम्सेस देखे होंगे आम जिंदगी में, और उसमें से मैंने एक पात्र अपने आप बनाया, कोई पागल खाने में नहीं गई, मेंटल हॉस्पिटल में कुछ नहीं, बिलीव मी, सभी लोगों को लगता था कि मैंने कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑब्जर्व किया होगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं ऑब्जर्व किया, और फिर भी इतने सारे शोज हुए, इतना सक्सेस मिला, जिस प्ले ने मुझे फिल्म दी प्रतिघात, तो वो किस तरह से हुआ होगा, हाउ इट मस्ट हैव हैपेंड। तो एक दैवी शक्ति हम आर्टिस्टों में कुछ ऊपर वाले ने, परमात्मा ने दी है कि हम आत्म प्रवेश कर सकते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, डिपेंड्स। जैसे मैंने कहा, हर चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो केमिस्ट्री मिलनी चाहिए, इट हैज टू बी अ हार्मनी। तो इतना सारा अध्यात्म हम लोगों में नेचुरली होता है, आर्टिस्टों में, स्पेशली एनी आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट, चाहे वो जो सिंगर होता है उसमें तो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका कनेक्शन सीधा परमात्मा के साथ होता है, वो अकेला गाता है, उसके जो साथ जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उन्हीं के साथ, लेकिन उसे किसी से बोलना नहीं होता है। तो वही मैं अभी गुफी पेंटर जी से वही बात कर रही थी कि हम लोग को तो एक ज़िंदगी मिली है, और अभी काफ़ी पात्र हम लोगों ने परफॉर्म किए, बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट हैं जिन्होंने काफ़ी कैरेक्टर्स किए, तो अभी समय आ चुका है कि ये जो अध्यात्म है परमात्मा तक पहुंचने का, या परमात्मा को पहचानने का, ये जो अध्यात्म है उसे हम अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट कर ले। हाँ, ऊपर वाले ने हमें आशीर्वाद दिए, हम एक्टर बन गए हैं, तो ये तो हम प्रोफेशन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मुझे एक्टरी दी है, बचपन से करती आई हूँ, स्टेज से शुरुआत की, टेलीविज़न, मॉडलिंग, बिग स्क्रीन, स्मॉल स्क्रीन, द मीडिया डजंट मेक डैम डिफरेंस टू मी, यू नो, लाइक व्हाट यू परफॉर्म, व्हाट यू वांट टू पोर्ट्रे, हम जो कहना चाहते हैं शुड रीच अक्रॉस द फुटलाइट। तो अगर
इतने सारे कैरेक्टर्स करने के बाद अगर हमारा दिमाग स्प्लिट हो रहा है, वो होता है जब व्हेन यू ट्राई टू परफॉर्म सो मेनी कैरेक्टर्स, इट हैपेंस दैट यू गेट मोर इन्वॉल्व, आप ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. तभी ये मैंने काफ़ी सालों पहले महसूस किया, करीबन 6-7 साल पहले, और तभी मैंने स्पिरिचुअलिज्म में काफ़ी इंटरेस्ट लिया. जैसे ब्रह्म कुमारी आई, रजनीश गई, बहुत सारी जगह में घूम के आई. तो मुझे लगता है कि अभी अब वक्त आ गया है हम सब के लिए, आपके लिए, दुनिया भर की जो परिस्थिति हम देख रहे हैं उसे जहन में रख के, और हमारे प्रोफेशन के लिए भी. मैंने कल यही कहा, आज भी यही कहूँगी कि अध्यात्म इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है टू बैलेंस, अपने आप को बैलेंस करने के लिए अध्यात्म बहुत ज़रूरी है. आप जो सिलेक्ट करो, आपको ब्रह्म कुमारी को फॉलो करना है, ब्रह्म कुमारी को फॉलो करो. लेकिन मैं चाहती हूँ, और मैं अपने दोस्तों को, फिल्म इंडस्ट्री वालों को, ड्रामा वालों को, मैं हमेशा यही कहूँगी कि आप अध्यात्म भी आपके जीवन में उतारिए, उसको आप उसको फॉलो कीजिए, तो आप बहुत सारे और भी अच्छे आर्टिस्ट बन सकोगे. दिस इज़ माई ओन एक्सपीरियंस, एंड मैं बड़ी भाग्यवान हूँ कि मुझे ऐसी जगह पे बुलावा आता है. बहुत सारी स्पिरिचुअल प्लेसेस आई हैव बीन टू, एंड इन फ्यूचर इन माई लाइफ आई विल कीप विजिटिंग स्पिरिचुअल प्लेसेस. आई लव इट, इट गिव्स मी ट्रेमेंडस पीस एंड एनर्जी. ओम शांति. मुकेश खन्ना जी.